हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका चाइल्ड एक्सप्लोरर में। और आज आपको दिखाने जा रहा हूँ आम आदमी की स्कॉर्पियो। वैसे तो सब लोग आम ही होते हैं, कोई स्पेशल नहीं होता जो स्कॉर्पियो रखता है, लेकिन फिर भी 90% लोग जिस तरह से अपनी स्कॉर्पियो को रखते हैं, उसमें किस टाइप का म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉल करवाना पसंद करते हैं, वो इस स्कॉर्पियो में लगा हुआ है। तो आज उसी की आपको जानकारी दूंगा और उसका आउटपुट भी सुनवाऊंगा आपको। होपफुली वीडियो आपको पसंद आएगी, लास्ट तक ज़रूर देखें। ये वीडियो भी दोस्तों उसी दिन शूट कर रहा हूँ जिस दिन अपनी गाड़ी में जो साउंड वाली प्रॉब्लम थी, ज़्यादा आ रही थी, उसको ठीक करने के लिए। तो साथ में एक और स्कॉर्पियो आई थी, मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि इसकी वीडियो बना लेता हूँ। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं बताऊँगा आपको। वैसे देखो अपने वाली में 18 इंच है, ये भी 18 इंच है, लेकिन इसका प्रोफाइल कम है, 55 है, और इसका है 65। तो प्रोफाइल की वजह से देखिए ऊँची लग रही है ना अपने वाली, और मैंने वैसे बैठ के भी देखा है कि ऊँची है अपने वाली, क्योंकि 80 टायर की वजह से। और इसके अंदर विदाउट एम्पलीफायर ये लगे हैं जी, और देखिए इसमें बैठना कितना ईजी है यार, है अपने भाई। तो सारी मेरे को पता लग गया, क्योंकि टायरों की वजह से है ना 25 mm ज़्यादा है, और ये इसमें बिल्कुल एकदम सही सुटेबल टायर लगे हैं, तो बैठना और मतलब चढ़ना और उतरना ईजी है। इसमें लगे हैं ये, मेरे को अभी ध्यान नहीं है कौन सी कंपनी के बता रहे थे, आप लोग समझ सकते हैं, मार्का देख लीजिए, ठीक है। और ये लगे हैं विदाउट एम्पलीफायर। अब पीछे और दिखाता हूँ आपको इस गाड़ी में क्या लगा है। और ये ब्लू पंक का वो लगा है जी, क्या बोलते हैं अपने डैश कैम, ये फ्रंट की रिकॉर्ड करता है, और इसमें मेमोरी कार्ड लगा है। मेमोरी कार्ड से आप है ना निकाल के और अपने लैपटॉप में लगा के इसको देख सकते हो क्या क्या। वैसे इसमें छोटी स्क्रीन है, यहाँ भी चलता रहेगा। और पीछे आपको दिखाता हूँ क्या लगा है डिग्गी में। डिग्गी में लगे हैं जी पियोनीर के ओवल स्पीकर, तो इनकी अच्छी बेस बनती है। तो मैं अभी वही बोल रहा था कि एक बार मैं साउंड चेक करता हूँ इसका और आप लोगों को भी सुनवाता हूँ। ये समस्या रहती है स्कॉर्पियो में, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है तो ज़ोर से मारनी पड़ती है डिग्गी का गेट। और चलिए अनकट रखते हुए, और स्टॉक रखी है भाई ने बिल्कुल अच्छी रखी है गाड़ी, साफ़ सुथरी। और मैट देखिए वो जो अपने घर पर नहीं होते ग्रास टाइप से ब्लैक कलर के, अच्छे लग रहे हैं, सेट किए जा सकते हैं ये भी। और चलो जी गाड़ी होगी ऑन और साउंड देखते हैं कैसा आता है। और ये देखिए स्टार्टअप साउंड, पता नहीं आप लोगों को सुन रहा है कि नहीं, बहुत ही मिनिमल अच्छा लग रहा है मेरे को। और ये डैश कैम ऑन हो गया है, ब्लू पंखा, ये 3000 रुपये के आसपास आता है, तो आप लोग भी चाहिए तो किसी को लगवा सकते हैं। इसमें लगा हुआ है जी ओके एप्पल कार प्ले, ही चलाते हैं भाई इसको, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार हमें मोबाइल दें ताकि हम इसका साउंड आउटपुट सुन सकें। और आप लोगों को भी एक आइडिया लग जाए कि बिना एम्पलीफायर के कंपोनेंट और ओवल स्पीकर लगाने से कैसी आवाज़ बनती है। तो चलिए उनका एक बार मोबाइल लेकर आता हूं मैं और फिर इसको कनेक्ट करते हैं। चलो जी बड़ी डिसेंट आवाज आ रही है दोस्तों, आप लोगों को पता नहीं सुन पा रहा होगा कि नहीं, बहुत अच्छा मजा आ गया दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको है ना पंजाबी गाना तो नहीं सुना सकता, लेकिन आपको मैं NCS का कोई सॉन्ग सुनवाता हूँ, उससे भी आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है। और क्या बोलते हैं ये एप्पल कारप्ले अभी अपना अटैच है, उसी से चलाते हैं। तो दोस्तों ये है अभी NCS सॉन्ग, बड़ा ही डिसेंट साउंड है, कोई बड़बड़ाहट नहीं, कुछ नहीं, और कितना भी लॉन्ग चलते रहो आपको मजा आएगा। पास से सुनवाता हूँ स्पीकर के पास में, चलो जी डिग्गी होगी ये बंद। और इन कैबिन कैसा साउंड बनता है गाड़ी का, रियर सीट से सुनाऊं आपको,
रियर सीट से सुनवाता हूँ, एक डिसेंट सा साउंड लगाया है मैंने एनसीएस का, और रियर सीट से आप सुनिए एक बार। ये साउंड सुन लिया, मैं बिल्कुल सेंटर में बैठा हूँ स्कॉर्पियो के, बारिश हो रही है बाहर थोड़ी थोड़ी। तो दोस्तों बिना एम्पलीफायर, थोड़ी आवाज़ कम कर लेता हूँ मैं, तो दोस्तों बिना एम्पलीफायर और बिना बूफर के भी आप स्कॉर्पियो में एक अच्छा साउंड क्रिएट कर सकते हो। जिसको ज़्यादा धमाका नहीं चाहिए तो वो ये लगवा सकता है, ये कंपोनेंट लगे हैं और पीछे पोइनियर के अपने ओवल स्पीकर लगे हैं, तो बड़ा अच्छा मेरे को बहुत पसंद आया। तो और पंजाबी गाना सुनने के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम का हैंडल नीचे आ रहा है चहल अंडरस्कोर द एक्सप्लोरर, तो वहाँ पर आपको इसका मैं एक पंजाबी गाने में और आउटपुट सुनवाऊंगा कि कितना डिसेंट साउंड आता है स्कॉर्पियो का। तो आज का वीडियो में इतना ही था, आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू, जय हिंद। दोस्तों पंजाबी गाना और सुनिए आप इस स्कॉर्पियो का।